एक ऐसा फार्म जहां पर इंसानी मांस और औरतों का दूध निकाला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर मूवी को जिसका नाम है द फार्म, जिसे डायरेक्ट किया है हैंस स्टर्जन स्वार्ड ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 3.7 out of 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार से एक लंबे सफ़र पर जा रहे थे। वो एक ऐसे रास्ते पर थे जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। लड़की का नाम नोरा था और लड़के का एलेक। वो काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे जिसकी वजह से नोरा को वॉशरूम जाना था। उन्हें रास्ते में एक टाउन दिखाई देता है जहाँ पर एलेक अपनी कार को रोक देता है। वो टाउन पूरा खाली था लेकिन यहाँ पर नोरा को कुछ टूटे हुए फ़ोन और सामान दिखाई देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक इंसानी खोपड़ी भी पड़ी हुई है। इसके बाद वो दोनों उस टाउन से आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को ये नहीं पता था ये रास्ता कहाँ जाता है। उसने जल्दी पहुँचने के चक्कर में एक शॉर्टकट ले लिया था और गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था और उन्हें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर फाइनली उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ पर वो रुककर ब्रेकफास्ट करते हैं। उस रेस्टोरेंट में एक आदमी उन दोनों को घूर रहा था। जब वो वहाँ से जा रहे थे तब वो नोरा को रोक लेता है और उससे कहता है तुम दोनों यहाँ पर सेफ नहीं हो। नोरा को लगता है ये आदमी सनकी है और वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं और उस गैस स्टेशन का मालिक उन्हें कहता है आगे चलकर तुम्हें कुछ कैबिन मिलेंगे जहाँ पर तुम रात बिता सकते हो। इसके बाद वो गैस स्टेशन से निकल जाते हैं। उनका रास्ता काफ़ी लंबा था और उन्हें ड्राइव करते हुए शाम हो जाती है और एलेक भी थक चुका था। फिर उन्हें रास्ते में कैबिन मिल जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। कैबिन के अंदर जाने पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था। वो आदमी उन दोनों को कैबिन में देखकर खुश हो जाता है। एलेक फिर वहाँ पर उस आदमी से रूम लेने की बात करता है लेकिन नोरा को वो आदमी अजीब लग रहा था इसलिए वो एलेक को जाने के लिए कह रही थी। वो आदमी उन्हें रूम दिखाता है और फिर वो दोनों उस रूम में सो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनके बेड के नीचे से एक आदमी निकल कर आता है जिसने जानवरों वाला मास्क पहन रखा था। वो आदमी उन दोनों के बहुत ही पास आ जाता है लेकिन वो दोनों काफ़ी गहरी नींद में थे। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब नोरा की नींद खुलती है तब वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाती है। नोरा काफ़ी चिल्लाती है। इसके बाद कुछ आदमी वहाँ पर आते हैं और नोरा को नहलाकर एक रूम में लेकर जाते हैं। फिर वो उसके हाथ पैर बांधकर एक आर्टिफिशियल तरीके से उसे प्रेग्नेंट करते हैं। वो किसी दूसरे आदमी का स्पर्म उसके प्राइवेट पार्ट में डालते हैं जिससे नोरा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं। फिर वो आदमी नोरा को उसी पिंजरे में डाल देते हैं। फिर उसे उस जगह से कहीं ले जाया जाता है और नोरा देखती है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर वो देखती है एक लड़की रस्सी से बंधी हुई है और एक मास्क पहना हुआ आदमी मास्क के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। फिर नोरा को एक कमरे में डाल दिया जाता है और हम देखते हैं ये फार्म बहुत ही बड़ा है जहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग कैद हैं। फिर हम एलेक को भी एक पिंजरे में कैद देखते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और एक आदमी के सिर पर हथौड़ा मार देते हैं। फिर वो उस आदमी को एक ट्रॉली में रखकर वेयर हाउस में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मौजूद हैं और उनके पार्ट्स को मशीनों से काटा जा रहा है। उस फार्म हाउस में काफ़ी सारे लोगों को पिंजरे में कैद करके लाया जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को कैबिन ओनर के पास जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो जाकर ऑर्डर देता है खाना जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए क्योंकि ये खाना 80 लोगों को खिलाया जाएगा और ये खाना इंसानी मांस से बनाया जा रहा था। तभी केबिन ऑनर को किसी का कॉल आता है कि कोई इंसान उसके यहाँ पर आने वाला है जिसके लिए उन्हें स्पेशल फूड रेडी करना था। ये एक ऐसा फार्म हाउस था जहाँ पर जानवरों को नहीं इंसानों को रखा जाता था। वो औरतों का दूध भी निकाल कर सप्लाई करते थे और इंसानी मांस को काट कर उसे सप्लाई किया जाता था और ये सारा इनलीगल काम क्लाइंट्स के ऑर्डर पर होता था। तभी वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है जिसका केबिन ऑनर को कॉल आया था। उस आदमी ने भी अपने चेहरे पर जानवरों वाला मास्क लगाया हुआ था। उन पिंजरों में कैद एक औरत ऐसी भी थी जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर वो आदमी उस औरत से उसका बच्चा छीन लेते हैं और उसका वजन करके उसे मारकर एक बॉक्स में डाल देते हैं जिसके बाद वो आदमी उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से औरतों का दूध निकाला जा रहा था। फिर वहीं पर एक आदमी ग्लास में दूध लेकर सबके सामने पीने लगता है। इसके बाद वो आदमी एक औरत के पास जाता है क्योंकि उस औरत ने इस आदमी की इंसल्ट की थी। फिर वो गुस्से में आकर उस औरत को मार डालता है
इसके अगले सीन में हम देखते हैं नोरा को पता चलता है उसके पास वाले केज में एक और औरत है जिसकी हालत बहुत खराब है। नोरा फिर उस औरत से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद वो औरत कहती है ये लोग यहाँ पर हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर औरतों को कैद करके दूध देने वाली गायों के समान रखा जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है जिससे वो दूध दे सके, और उनके बच्चे को भी मारकर उसके मांस को सप्लाई कर दिया जाता है। वो औरत नोरा को बताती है वो यहाँ पर 2 साल से कैद है, उसे कई बार प्रेग्नेंट किया गया लेकिन अब उसके शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सके, जिसकी वजह से अब उसे यहाँ पर मार दिया जाएगा। लेकिन उस औरत को खुशी होगी कि वो मर जाएगी। उसकी एसले नाम की एक लड़की भी है जिसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। नोरा उस औरत से वादा करती है कि वो उसे और उसकी बच्ची को यहाँ से छुड़ाकर ले जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं केबिन ओनर अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है जो औरतें दूध देने के काबिल नहीं हैं उन औरतों को मार दिया जाए। फिर वो आदमी उस औरत के पास आते हैं जो नोरा के पास वाले पिंजरे में थी, और उस औरत को जंजीरों से लटकाकर उसका गला और पेट काट देते हैं और उसके अंगों को निकालकर एक बकेट में रखकर ले जाते हैं। नोरा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वहाँ पर एलेक भी पहुँच जाता है, वो काफ़ी मुश्किलों से नोरा तक पहुँचाता, और जैसे तैसे नोरा को वहाँ से निकाल कर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर उन आदमियों को ये बात पता चल जाती है और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। एलेक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो नोरा को वहाँ से लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसका पैर एक वायर में फंस जाता है और नोरा को अकेले ही वहाँ से जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाते हैं और एलेक का सर पत्थर से कुचलकर मार डालते हैं। फिर नोरा भागते भागते उस तरफ पहुँच जाती है जहाँ पर आदमियों को पिंजरों में रखा था, और नोरा पिंजरे में कैद एक आदमी से बाहर जाने का रास्ता पूछती है, और वो आदमी नोरा को बता देता है बाहर जाने के लिए गाड़ियाँ और उनकी चाबियाँ कहाँ पर होती हैं। फिर नोरा जैसे तैसे गाड़ी तक पहुँच जाती है, लेकिन फार्म के लोग जल्द ही नोरा तक पहुँच जाते हैं और नोरा को वहाँ से भागना पड़ता है। ये फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा था और नोरा भागते हुए एसले के पास पहुंच जाती है और वो उसे भी अपने साथ लेकर भागने लगती है। फिर वो भागते हुए एक बस के पास पहुंचते हैं जिसकी चाबी अंदर घर में होती है। फिर वो जल्दी से उस घर से चाबी लेकर एसले के साथ बस में चढ़ जाती है। वो जल्दी से चाबी लगाकर बस स्टार्ट करने लगती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब पूरी बस फार्म के लोगों से भरी होती है जिन्होंने जानवरों के मास्क पहने हुए थे। एसले और नोरा पूरी तरह फंस चुकी थी। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एसले और नोरा डाइनिंग टेबल पर एक डिश के समान सजी हुई हैं और फार्म के सारे लोग उनके आसपास खड़े हुए हैं। इसका मतलब होता है उन लोगों ने उन्हें पकड़ने में जितनी मेहनत की थी ये उस बात का उनके लिए इनाम था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस फार्म में इंसानी मांस और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई किया जाता था क्योंकि बाहर मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा कीमत है, और यहाँ के लोग जानवरों का मास्क इसलिए पहनते थे क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि इंसान भी जानवरों के साथ यही करता है, लेकिन वो क्रुएलिटी में नहीं आता क्योंकि जानवर तो रोज़ मारे जाते हैं और खाए जाते हैं। नोरा और एलेक शॉर्टकट लेने के चक्कर में यहाँ फंस जाते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।